और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, तीन तलाक बिल लोकसभा में पास हो गया है। जी हाँ, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीन तलाक बिल लोकसभा में पास हुआ। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी और ऐसे में कुछ देर पहले वोटिंग चल रही थी। अब ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तीन तलाक बिल लोकसभा में पास हुआ है। आपको बता दें, तीन तलाक बिल को लेकर टीएमसी पहले ही सदन से वॉकआउट कर चुका था। हालांकि इसका विरोध कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से करने की बात भी सामने निकल के आ रही थी। और अब ये बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, लोकसभा में तीन तलाक बिल जो है वो पास हो गया है। इस वक्त का ये बड़ा फैसला और बड़ी खबर, इस वक्त अहम खबर आपको बता रहे हैं। तीन तलाक बिल को लेकर लगातार यहां पर बार बार बिल को पेश किया गया, लेकिन रुकावट बार बार देखने को मिल रही थी। और अब फिलहाल ये खबर सामने निकल के आई है कि तीन तलाक बिल जो है लोकसभा में वो पास हो गया है। तो मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ी खबर, ये बिल के पक्ष में 303 वोट यहां पर डाले गए हैं। तीन तलाक बिल के विरोध में सिर्फ 82 वोट यहां पर पड़ते नजर आए। तो तीन तलाक बिल लोकसभा में पास हो गया, बड़ी खबर। 303 वोट यहां पर पक्ष में पड़े हैं, जबकि 82 वोट यहां पर तीन तलाक बिल के विपक्ष में पड़े हैं। इस वक्त ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, मुस्लिम महिलाओं को लेकर ये बड़ा फैसला, क्योंकि लगातार मुस्लिम महिलाओं की तरफ से भी ये मांग की जा रही थी। ऐसे में विरोध हालांकि विपक्षों की तरफ से देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, तीन तलाक से जुड़ी हुई, जहां पर तीन तलाक बिल जो है वो पास हुआ है 303 वोटों के साथ, जबकि 82 वोट इसके खिलाफ पड़े हैं। तो तीन तलाक बिल को लेकर सबकी निगाहें आज टिकी हुई थी। कुछ देर पहले वोटिंग यहां पर चल रही थी और ऐसे में 303 जो वोट हैं वो यहां पर पड़े हैं। 303 वोट पाकर तीन तलाक बिल जो है वो पास हो गया है लोकसभा में। पास हो चुका है, 82 वोट इसके विरोध में पड़े। जेडीयू और टीएमसी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, पहले ही वॉकआउट यहां पर सदन से कर लिया था। आपको बता दें, अब मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बड़ी और अहम राहत और बड़ी खबर, के विधेयक के साथ तीन तलाक कह दिए जाने को अपराध करार दे दिया गया है। और आपको इसके साथ ही बता दें, दोषी को जेल की सजा सुनाए जाने का भी प्रावधान इस बिल के तहत रखा गया है। और अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने मई में इस बिल का मसौदा तैयार किया था, पेश किया था, और आज लोकसभा में ये जो बिल है 303 वोट पाकर पास हो गया है। आपको बता दें, टीएमसी पहले ही सदन से वॉकआउट इसको लेकर कर चुका था, जेडीयू भी सदन से वॉकआउट कर चुका था, यानी कि इन दोनों ही दलों ने यहां पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दोनों दल सदन से वॉकआउट कर चुके थे, लेकिन 303 वोट पाकर तीन तलाक बिल जो है वो लोकसभा में पास हो गया। फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा की, और 82 वोट आपको बता दें यहां पर विपक्ष में इस बिल के पड़े हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, सिर्फ 2019 तक ट्रिपल तलाक के 345 मामले सामने आ चुके हैं। और मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए, मुस्लिम महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए एक तरीके से ये बिल जो है बेहद जरूरी कहा गया मोदी सरकार की तरफ से। और लगातार इस बिल को लेकर 302 निर्णय ना वालों के पक्ष हुआ, संशोधन 12 अस्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि खंड 3 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, खंड 3 विधेयक का अंग बना। श्री एन के प्रेमचंदन, संशोधन संख्या 3,
सर आई एम मूविंग द अमेंडमेंट नंबर 3 रिगार्डिंग इम्प्रिजनमेंट हैज टू बी अवॉइडेड। कि एन के प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत संशोधन 3 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाक हैं, जो सदस्य विरोध में नाक हैं, मेरे विचार में निर्णय नावालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। असाउद्दीन ओवैसी संशोधन का 13। आई एम मूविंग अमेंडमेंट सर। प्रश्न ये कि असाउद्दीन ओवैसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन 13 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाक हैं, जो सदस्य विरोध में नाक हैं, मेरे विचार में निर्णय नावालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री एम आर ई संशोधन संख्या 17। प्रश्न ये कि श्री ए पारिफ द्वारा प्रस्तुत संशोधन 17 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाक हैं, जो सदस्य विरोध में नाक हैं, मेरे विचार में निर्णय नावालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। अब्दुल खलीक जी संशोधन संख्या 18। पीके कुनाली कुट्टी प्रश्न है कि श्री कुनाली कुट्टी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 18 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाक हैं, जो सदस्य विरोध में नाक हैं, मेरे विचार में निर्णय नावालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। सी टी एन पार्थपन संशोधन संख्या 19। प्रश्न है कि खंड 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाक हैं, जो सदस्य विरोध में नाक हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 4 विधेयक का अंग बने। तो यहाँ पर सरकार के पास पर्याप्त नंबर थे और पास हो चुका है 3 तलाक का बिल, लेकिन राज्यसभा में इसे पास कराना इतना आसान नहीं होगा। रवि हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, लोकसभा की अगर बात कर ली जाए तो पर्याप्त संख्या पर्याप्त नंबर यहां पर सरकार के पास था, बिल पास हो गया यहां पर, लेकिन राज्यसभा में इसे पास कराना इतना आसान शायद नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए अगर संख्या बल की बात करें तो लोकसभा में बड़े और इंटरेस्टिंग डेटा आया है कि 303 जो बीजेपी जितनी सीटें जीती है बिल्कुल उतनी ही लोग समर्थन में नजर आए 3 तलाक बिल को पास कराने के पक्ष में, और विरोध में जो संख्या आई है 82 आई है, यानी कि 52 के आसपास कांग्रेस की सीट है और उससे ज्यादा कुछ लोगों ने उनको समर्थन किया, चाहे डीएम के हो बाकी लोगों का उनको समर्थन मिला हो, तो कई लोगों ने अब्सटेन किया है। तो कुल मिला जुलाकर देखिए कि जिस तरह से बीजेपी का संख्या बल अगर लोकसभा में है तो लोकसभा में पास करा पा रहे हैं, और तीसरी बार ये बिल पास हो रहा है, पहली बार नहीं है, तीसरा मौका है जब लोकसभा में से ये बिल पास होगा 3 तलाक बिल, लेकिन तीसरी बार ही राज्यसभा में इसके पास नहीं होने की भी गुंजाइश है, क्योंकि जिस तरह से वहां संख्या बल है अभी 2020 से पहले ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं राज्यसभा की राह आसान जो है नहीं होगी, लोकसभा में हालांकि ये बिल पास हो चुका है।